ज़्यादा मिल जाएगा। अंशु, अंशु जी, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो इससे आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस होती है? सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सर्दी खांसी होती है, तो गले में खराश होती है। पोल्यूशन पे रोकथाम के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? डीजल ते पेट्रोल वाली गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? उससे डस्ट होता है। हाँ जी, बंद कर देना चाहिए। आपका नाम? रजत यादव। सर, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो इससे आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस करनी पड़ती है? सर, इसमें आँखों में जलन होती है और गले में दिक्कत होती है और बहुत सी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। पोल्यूशन को रोकथाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कह रहा हूँ सरकार इस पर ध्यान दे और ये डीजल की जो गाड़ियाँ हैं इस पर रोक लगाई जाए। जी, बिल्कुल। हाँ, बुजुर्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे और बुजुर्गों को बहुत सी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, उनको तकलीफ भी हो रही है। क्या उनको घर में ही रहना चाहिए? जी, उनको घर में आंखों में दिक्कत हो रही है और बच्चों को भी निकलने में बहुत सी समस्याएं हो रही हैं उनको। सर, आपका नाम? अनीश कुमार। सर, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। इससे क्या क्या दिक्कतें? बहुत दिक्कतें हैं, आँखों में जलन होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, ज़्यादातर की इतना पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, डस्ट इतने हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो इसके लिए पोल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए? ये कंस्ट्रक्शन का काम रोकना चाहिए, ये जो बिल्डिंग विल्डिंगें बन रही है उसके चक्कर में थोड़ा उससे भी हो रहा है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है इस समय। ये बच्चों और बुजुर्गों को यही सलाह देना चाहेंगे कि इस समय तो घर ही रहना चाहिए। हम तो यंग है, जिम जाते हैं, हम तो थोड़ा वो तो कर लेते हैं अपने आप को कंट्रोल, पर बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहना चाहिए इस समय, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा हो रहा है, एक तो ऊपर से पोल्यूशन, धूल मिट्टी, ये इससे बीमार हो ही गई बंदा एक्चुअली तो।